Hello students, in this video we will talk about non-terminating rational number. In previous one we just did the terminating rational number, what are the theorem, what are the special conditions jisme wo represent ho sakta hai, to wo us condition ko follow karega. First of all hum log ek example lete hain, that is 1/7. अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना है हम लोगों को कि ये हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं. तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है और दोनों ही को प्राइम है. तो सबसे पहले इसका हम लोग डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल मेथड से. तो जब 1 को मैंने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 7 से छोटा है तो आई हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट. जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा एंड आई विल कीप डिवाइडिंग इट. आंसर आएगा हमारा 0.142857 एंड अगेन इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इट सेल्फ 142857 एंड इट विल कीप रिपीटिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है. मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के कैटेगरी में आ गया. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में आ गया तो यहाँ पे एक हम लोग को स्पेशल चीज नोटिस करनी है. व्हाट इज दैट, डिनोमिनेटर देखो आप लोग. अगर आप लोग डिनोमिनेटर देखोगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, दैट डिनोमिनेटर इज 7, इट इज नॉट इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 2 raised to power n एंड 5 raised to power m. जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में पढ़ा था कि जब कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे कंडीशन क्या पता चली हम लोगों को कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हम लोगों का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम लोग का 2 raised to power n और 5 raised to power m के फॉर्म में नहीं लिखा गया तो वो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू ऑल कैन जस्ट कैटेगराइज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. और इसी बेसिस पे एक थ्योरम आया, दैट इज लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, बी अ रैशनल नंबर सच दैट prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n and m are non-negative, then x has a decimal expression which is non-terminating. जो आप लोग को बताया मैंने, that is same thing is written. So अब इसके basis पे अगर कोई भी rational number है, पहले तो आप लोग rational number check करोगे कैसे, p upon q के form में होना चाहिए, co-prime होने चाहिए दोनों, और q की value 0 नहीं होनी चाहिए. After that अब आप लोग डिनोमिनेटर को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर वो 2 raised to power n और 5 raised to power m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब वो हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. और अगर वो नहीं रिप्रेजेंट हो पाया, इसका मतलब वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा. नाउ दिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर, दैट इज ओवर नाउ एंड यू ऑल हैव टू जस्ट practice whatever the sum I will provide you all, and thank you.